हेलो एवरीवन। तो एक शॉर्ट राइड पे निकले थे हम गोरखपुर की तरफ, जो कि यहाँ से 67 किलोमीटर्स है। तो सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो चलिए आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग गोरखपुर में एंटर कर चुके हैं, और अभी हम लोग हैं रामगढ़ ताल पे, जो कि गोरखपुर का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। तो यहीं पे वाटर पार्क भी है गोरखपुर का, एक जू भी बन रहा है, और यहीं पे यूपी का सबसे बड़ा फ्लैग भी लगा हुआ है। तो ये सब देखने से पहले एक बार रामगढ़ ताल की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो रामगढ़ ताल की हिस्ट्री में दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी कहती है कि जब 6th सेंचुरी में गोरखपुर का नाम था रामगढ़, तो उसी के नाम पे इसका नाम दिया गया है रामगढ़ ताल। और कहते हैं कि उस टाइम पे जो राप्ती नदी है वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, और अभी धीमे धीमे जब वो छोटी हो गई तो उसी के पानी से ये रामगढ़ ताल बना है। और दूसरी स्टोरी कहती है कि पहले इस जगह पे बहुत बड़ा एक नगर हुआ करता था, जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था, तो उस वजह से वो नगर डूब गया और उसकी जगह पे ये रामगढ़ ताल बना। अब बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो इसका अगर हम एरिया देखें तो ये है लगभग 1800 एकड़ में, यानी कि अराउंड 7 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो अगर आप नैनीताल गए हैं और आपको लगता है कि नैनी लेक बहुत बड़ी है, तो मैं आपको बता दूं कि नैनी लेक सिर्फ 0.48 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है, और रामगढ़ ताल अराउंड 7 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि लगभग 15 टाइम्स है नैनी लेक का। तो एक बार इसे देखना तो बनता है। तो चलिए आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो ये है यूपी का सबसे बड़ा फ्लैग, जिसकी हाइट है 246 फीट, और इसकी विजिबिलिटी है अराउंड 15 किलोमीटर्स, यानी कि ये 15 किलोमीटर दूर से भी विजिबल होगा।
कैमरे में शायद ये इतना बड़ा लग ना रहा हो, बट एक्चुअली में तो ये बहुत ही ऊंचा है। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।